नमस्कार फ्रेंड्स, हरी हरी बोल। मैं अरुण कुमार वालिया, मैं पठानकोट से बिलोंग करता हूँ। मेरा बर्थ प्लेस भी पठानकोट है और मैं बिजनेसमैन हूँ। मैं बिजनेस भी पठानकोट में ही कर रहा हूँ। मेरे घर में मेरी माता जी हैं, मेरी वाइफ है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। वो बच्चे ठीक बिल्कुल बड़ा अच्छा स्टडी में है। बेटा मेरा जॉब कर रहा है और बड़े वेल सेटल हैं। बिजनेस मेरा बड़ा अच्छा है। मैं आज आपके साथ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शेयर करने जा रहा हूँ। ये नहीं कि हम बचपन से ही अध्यात्म से जुड़े थे, मेरे माता पिता शुरू से ही आर्य समाज के साथ जुड़े थे। घर में हमारे डेली हवन होता था। हमारा कोई भी घर में किसी का बर्थडे आ जाना या किसी का कुछ होना तो हम आर्य समाज के साथ ही हवन करते थे। पर धीरे धीरे जैसे हम बड़े हुए और भी फ्रेंड्स मिले, अलग अलग विचारधाराएं बनी, गुरुद्वारे भी जाना, मंदिर भी जाना, बहुत कुछ सीखा हमने इनसे। पर मन में एक थोड़ी सी थी कि हम किसी एक रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। जीवन में जो हम चाहते हैं कि कोई एक सीधा रास्ता मिले जिस पे हम आगे चल के भगवान के साथ जुड़े रहें, वो एक मन में नहीं था। दोस्तों, जैसा कि 2017 के स्टार्ट में ही मैंने देखा घर में मेरे मिसिज जो मोबाइल पे कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। मैंने उनसे एक दिन पूछा, जी आप क्या कर रहे हो? तो वो कह रही, मैं गीता पढ़ती हूँ। मैंने कहा, मैंने सोचा ऐसे ही कोई वीडियो देख रही होगी, तो मेरे को बोल दिया गीता पढ़ रही है। वो एक स्कूल टीचर हैं और उनके सीनियर्स जो हैं वो उनको गीता पढ़ाते थे। तो मैंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, ऐसे टाइम निकलता गया। वो मेरे से चोरी चोरी करते रहे क्योंकि उनको पता था कि मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ। और जैसे गुरु धारण करना या कहीं सत्संग में जाना या मंदिर जाना, कोई ज़्यादा मतलब लंबा टाइम पास करना, वो मेरे लिए मेरे को अच्छा नहीं लगता था। तो ऐसे ही एक दिन हम सुबह सुबह गाड़ी में कहीं जा रहे थे तो वो सत्संग सुनती थी सुबह 6:30 बजे। तो उसने मेरे को ऐसे ही पूछा, मैं सत्संग सुनना है तो मैं सुन सकती हूँ, मैं आपको भी सुनाती हूँ। सुबह सुबह का टाइम था, मैंने कहा चल कोई नहीं, सत्संग सुन रही है, चलो मैं भी सुन लेता हूँ। तो जैसे ही सत्संग शुरू हुआ और सत्संग सुनना शुरू किया तो मेरे को लगा कि ये मोबाइल पे इतना अच्छा सत्संग आ रहा और मेरा इतना अच्छा मन लगा कि मैं सोचने लगा कि नहीं, आगे से मैं भी इनके साथ सुनता जाऊं। दोस्तों, ये दिसंबर 2017 की बात थी और जैसे ही मैंने ये सारा सत्संग सुना मेरे को इतना मज़ा आया कि उसके बाद मेरे को पता चला कि ये गोलोक एक्सप्रेस है जो स्काइप पे और फोन पे गीता का सत्संग करते से गीता पढ़ाते हैं। वैसे तो मन में शुरू से ही हमारे ये मन में था कि गीता एक बड़ा मुश्किल ग्रंथ है जो किसी को समझ नहीं आता है। और पर जैसे ही हमने स्काइप पे गोलोक एक्सप्रेस से सत्संग में जुड़ के मैंने गीता सुननी शुरू की तो ऐसे लगा जैसे ये हमारे जिंदगी में जो हमारे क्वेश्चंस हैं उन्हीं के आंसर्स हैं। और इतने आसान तरीके से गीता वो सत्संग में पढ़ाते थे कि आदमी सुन सुन के ही अपनी लाइफ में सोचता है कि मैं हरि की कृपा से हरि के साथ ही जुड़ गया हूँ। और ऐसे ही मैं नीलम जी के पहले सत्संग सुने, उसके बाद मैं फिर नितिन जी के साथ जुड़ गया और उन जो हमारे गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर्स हैं निखिल जी, उनके भी सत्संग मैंने अटेंड करने शुरू किए। और जैसे जैसे मैं सत्संग अटेंड करने शुरू किए, मेरे जिंदगी में जो क्वेश्चन थे, जो मेरी अड़चने थी, जो मेरे मन में गुत्थी सुलग नहीं रही थी, वो धीरे धीरे मेरे को समझ आनी शुरू हो गई कि नहीं, हम भगवान के साथ कैसे जुड़े हैं और भगवान हमारा हाथ पकड़ के कैसे हमें आगे लेके जाते हैं। और बहुत सारी बातें जिंदगी में जो मतलब जैसे मैं बहुत गुस्सा करता था और जैसे जैसे मैंने ये गीता का पाठ सत्संग सुनना शुरू किया मेरा गुस्सा बहुत कंट्रोल हो गया। मैं डिप्रेशन में बहुत रहता था कि सारा दिन सोचते रहना, सब कुछ होते हुए भी सोचते रहना कि मैं कहाँ हूँ, मैं जिंदगी में जो कर रहा हूँ
जो मैं पाना चाहता हूँ वो उसका मुझे पूरा रिजल्ट नहीं मिलता है। बच्चों की बहुत टेंशन लेनी, बच्चे बाहर गए तो बच्चे कहाँ होंगे, दिन में 10-10 बार फोन करना, बड़ा परेशान था। पर जब गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ा, सत्संग सुने, बहुत सारे लोग उसमें जुड़े होते हैं और सब लोगों के जैसे व्यूज सुने, जैसे ही उनकी जर्नी, हर आदमी की जैसे मैंने अपने सारे उनके सुने, तो मेरे मन में भी जो क्वेश्चन थे वो धीरे धीरे निकलते गए। मेरा गुस्सा बड़ा कंट्रोल हो गया और मैं बच्चों के साथ भी बड़ा एक फ्रेंडली हो गया और धीरे धीरे मेरी लाइफ जो है वो चेंज होनी शुरू हो गई। फ्रेंड्स, गोलक एक्सप्रेस जुड़ने के बाद भक्ति में मेरा विजन बड़ा क्लियर हो गया और आसान तरीके से मैं भक्ति कैसे करनी है वो सीख गया। जैसे सारे डिवोटीज के एक्सपीरियंस सुनता रहा और उससे बड़ा विजन क्लियर हुआ और धीरे धीरे हम भी भक्ति की तरफ बड़े आसान तरीके से घर में गीता पढ़ते हैं। और जैसे कि घर में मैं चैंटिंग करता हूँ, चैंटिंग करने से बड़ा मन को आनंद और सुकून मिलता है। और जैसे धीरे धीरे फिर चैंटिंग के बाद माला शुरू की, भगवान का नाम लेने शुरू किया, जैसे सुबह सुबह जैसे ब्रेकफास्ट बना तो सुबह उठ के पहले भगवान को भोग लगाना। ये नहीं कि मैं सिर्फ करने के लिए भोग लगाता है, उसको समझ के मैंने गीता से ही सारा कुछ जो समझा और मन में क्लैरिटी आई कि भोग क्यों लगाना चाहिए, और मैंने भोग लगाना शुरू किया। इवन कि मेरे वर्क प्लेस पे भी कोई भी हमारा को वहाँ कुछ शुभ काम होता है, जब मेरे फ्रेंड सर्कल में भी शुभ काम होता है तो वो को अगर कोई लेके आता है मिठाई वगैरह तो पहले सब बोलते हैं भगवान को भोग लगाओ, क्योंकि धीरे धीरे उनमें भी क्लैरिटी आनी शुरू हुई है कि भोग हमें क्यों लगाना चाहिए। और भोग लगाने के बाद जो वो प्रसाद बनता है, जो उसका आनंद आता है फ्रेंड्स, उसका आप आनंद ही उठा सकते हैं। और फ्रेंड्स, और मैं आगे बताऊं, मेरे ब्रदर के साथ कुछ जिंदगी में कड़ावट थी, कुछ रिश्ते उलझे हुए थे, पर भगवान के साथ जुड़ने के साथ ही भगवान ने वो सारा कुछ, हमारे रिश्ते भी ठीक कर दिए। मेरे मन में भी बड़ा जैसे कुछ उलझने थी वो भी क्लियर होगी भगवान के साथ जुड़ने के साथ ही। भाई का रिश्ता भी इतना मिठास भरा हो गया कि अब हम जिंदगी में बड़े एक अच्छे तरीके से चल रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं थैंक्स करना चाहता हूँ नीलम जी का और अपनी वाइफ नीनू जी का, नितिन जी का और अपने फाउंडर निखिल जी का और को फाउंडर प्रीति जी का भी, जिन्होंने हमें ये सारा जो गीता है बड़े आसान तरीके से समझाई और भगवान के साथ जुड़े। और भगवान का भी मैं इतना थैंकफुल हूँ, इतना ब्लेस्ड हूँ कि हरि ने मेरे पे पूरी कृपा की है और उन्होंने अब जो भी मेरी मुश्किल है वो मेरी खुद आसान करते हैं। मैं उनको याद करता हूँ और कहता हूँ, हे भगवान, जो आप करोगे वो अच्छा ही करोगे। इसीलिए मैं फ्रेंड्स सबको ये सजेशन देता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब अपने भगवान के साथ किसी न किसी भी माध्यम से जुड़े। रास्ता एक ही है, चाहे आप अलग अलग चलो, पहुंचेंगे हम एक जगह ही। तो आप सब भगवान से जुड़े और उनके जुड़ने के साथ जो आपके जीवन में आनंद आएगा, जो खुशी आएगी, जो मुझे मिली है, मैं चाहता हूँ वो सबको मिले। और इसीलिए आप सब भगवान से जुड़े। हरि हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल हरि बोल।